का डेवलपमेंट देखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। भारत के अंदर आपकी जो सिविल सेवा है उसकी भी शुरुआत कैसे हुई थी, आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके लिए भी इसका भी हिस्ट्री क्या है एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड आईसीएस के पहले क्या कहते थे इसको, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर प्रेस को लेके हम लोग जो फैक्चुअल है उसको बाद में देखेंगे, हम लोग अभी एनालिटिकल देखते हैं कि प्रेस का नेचर कैसा था, कौन सा न्यूज़पेपर कौन पब्लिश करता था, हम लोग बाद के अंदर क्लासेस के अंदर कुछ देखने की कोशिश कर देंगे। ओके, विल स्टार्ट विद द प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस यहाँ पे किस तरह से होता है, आधुनिक प्रेस की शुरुआत किस तरह से भारत के अंदर हुई थी। द फर्स्ट न्यूज़पेपर, ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी को भी जानेंगे। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, इट वॉज स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1780s बाय एन आयरिश जेंटलमैन कॉल्ड एज जेम्स हिकी, इनका नाम था, और ये न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट, और दूसरा इसका वही नाम था जिसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ओके, सबसे पहला न्यूज़पेपर भारत के अंदर जो शुरुआत करता है, सो दिस वॉज स्टार्ट बाय जेम्स हिकी इन 1780, और इसके बाद इन्होंने सरकार का थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म कर दिया, तो उस टाइम के जो भी गवर्नर जनरल थे उनको पसंद नहीं आया कि भाई ये आके प्रेस वाला आके मेरा क्रिटिसिज्म कर रहा है, सो बाय 1782 इट वॉज सीज बाय द गवर्नमेंट फॉर एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। तो ये तो होता रहता है, कोई भी सत्ता के ऊपर बैठता है तो उसको पसंद नहीं आता कि तुम्हारा आलोचना होनी चाहिए बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ होनी चाहिए। उस टाइम के अंदर इसको पता नहीं था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो भाई साहब ने ज्यादा कर दी होगी सरकार की आलोचना तो ताला लगा दिया जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर बाय जेम्स हिकी, दिस हिकीज बंगाल गैजेट एंड द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। लिखते हैं, अ वीकली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस बाय नन। ओके, तो हम किसी से भी प्रभावित नहीं हुए हैं ऐसा कुछ इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर, और सैटरडे मार्च 3rd टू संडे मार्च 10th वीकली आया करता था जो सबके आपका पहला न्यूज़पेपर है, बट दिस वॉज क्लोज डाउन बाय द गवर्नर एट दैट टाइम द गवर्नमेंट, और 82 के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। हम लोग को जानना यह है, ठीक है, ये फैक्चुअल थोड़ा बहुत हिस्ट्री था किस तरह से शुरुआत हुई प्रेस की। वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेस किस तरह से काम करता था, कौन से कानून पास कराए गए, और इसके भी जैसे हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस देखे उसको जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द अर्ली प्रेस, द नेचर ऑफ द अर्ली प्रेस एट दैट टाइम इन 1780s एंड 1800s की बात कर रहा हूँ। अभी आप समझिए कि 1800s में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कराया था, नहीं कराया था, देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु वर एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल, तो नेचर ऑफ द अर्ली प्रेस द सर्कुलेशन वॉज वेरी फ्यू एट दैट टाइम, पढ़ने वाले लोग ही नहीं थे ना, कौन था एजुकेटेड इंडियंस थे उस टाइम पे 1800s के आसपास। 1830 में तो हम लोग हमको पढ़ाना शुरू किया इन्होंने, इसके पहले जो भी इंग्लिश जानने वाले लोग कौन थे, एजुकेटेड लोग हो गए तो भी अपनी नेटिव लैंग्वेजेस जानते होंगे, वर्नेकुलर लैंग्वेजेस जानते होंगे, सर्कुलेशन वाज वेरी फ्यू ऑल अराउंड 100 टू 500 कॉपीज एंड द एम वाज टू कैटर द इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट ऑफ द यूरोपियंस। यहाँ पे जितने भी यूरोपियन लोग रह रहे थे उन्हीं का ही एक इंटेलेक्चुअल थॉट डेवलप करने के लिए ये थोड़े बहुत लिखा करते थे। तो 1780 में मिस्टर हिकी ने जब ये प्रेस शुरू किया था भारत के अंदर, आपका बंगाल गैजेट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, तो उसके पीछे भी इनका डेवलपमेंट का पीछे का रीजन यही था कि थोड़े बहुत लोगों को मैं थोड़ा बहुत मसाला दे दूं कि इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके दो टाइप के न्यूज़पेपर होते हैं, एक न्यूज़पेपर होता है और एक मसाला न्यूज़पेपर होता है, जो मसाला देता है आपको अच्छा खासा, मजा भी आती है पढ़ने की पर यूपीएससी में कुछ काम का आएगा नहीं। ओके, एक नेचर ऑफ अर्ली प्रेस के अंदर ये भी देखने मिलता है दैट दी कंपनी ऑफिशियल्स वर वरी अबाउट द न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट माइट रीच लंडन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कम टू नो अबाउट इट्स मॉल प्रैक्टिसेस। तो कंपनी ऑफिशियल्स को डर भी लगता था कि यार ये प्रेस को कोई ना कोई यहाँ से कुछ रिपोर्ट पब्लिश कर देगी और आज नहीं तो कल लंडन के ऊपर ये न्यूज़पेपर चला जाएगा तो बंद कर देंगे हमारी पूरी की पूरी दुकान। तो इनको डर भी लगता था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को कि यार ये प्रेस हमारा सत्यानाश कर देगी, हमारा गला घोट देगी, सो दे वर फियरिंग दी एक्टिविटीज ऑफ द प्रेस एट दैट टाइम, और ये लोग प्रेस से थोड़ा दूर रहने की ही कोशिश करते थे, और इसके कारण ही ये लोग सेंसर रिपोर्ट्स को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते थे, प्रेस को बोल देते थे कि भाई आपको ये चीज हटा देनी है, इस तरह को इसका रखना है, यहां से ज्यादा करोगे तो आपका न्यूज़पेपर ही बंद कर देंगे। समटाइम्स द सीजिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ प्रेस वॉज ऑल्सो डन। तो यहाँ से आपका एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा कि नेचर ऑफ द अर्ली प्रेस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्ली प्रेस इन इंडिया, और दो या तीन स्टेटमेंट बना के यूपीएससी इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ देगी दैट द सर्कुलेशन वाज वेरी फ्यू, द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू क्लोज डाउन द ऑफिशियल प्रेस एट दैट टाइम। ओके, एंड स्टेटमेंट बना के 1, 2 नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव एंड 2 ओनली करके चारों के चारों ऑप्शन के साथ आपको प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पे किस तरह से प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस और